गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई विल टीच यू हाउ टू स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट मोरल वैल्यू लेसन 5 सेव वाटर बुक रीडिंग इन ऑनलाइन क्लासेस। सेव वाटर, सेव मींस बचाना, वाटर मींस पानी। वन समर इवनिंग एक दिन गर्मी के साथ था, ग्रैंडपा विजिटेड जिम एंड हिज फैमिली। ग्रैंडपा जिम और उसकी फैमिली के साथ थे। ही वाज विजिटिंग देम के साथ थे। आफ्टर मेनी इयर्स कुछ सालों से जिम्स फैमिली वाज लिविंग ए कंफर्टेबल लाइफ। जिम का परिवार एक आरामदायक जीवन जी रहा था विद ऑल द फैसिलिटी सभी सुख सुविधाओं के साथ इन ए सिटी एक शहर में। दे हैड एवरीथिंग दैट नीडेड जो भी उन्हें जरूरत थी वो प्रत्येक वस्तु थी। बट लेकिन ग्रैंडपा वाज वेरी अपसेट लेकिन ग्रैंडपा बहुत ही दुखी थे विद वन थिंग एक चीज से वेस्टेज ऑफ वाटर पानी की बर्बादी से इन जिम्स हाउस होल्ड जिम्स के घर में। ग्रैंडपा नोटिस ग्रैंडपा ने ध्यान दिया दैट जिम्स वेस्ट ए लॉट्स ऑफ वाटर जिम बहुत सा पानी बर्बाद करता है। ही प्लेड विद वाटर पर पानी से खेलता है भाई जब द टैप पास ऑन टैप ऑन होता है ही लेफ्ट द वाटर रनिंग पानी का बहता है व्हाइल ही ब्रश्ड हिज टीथ जब में ना तो वो ब्रश करता है तो क्या करता है टैप को ऑन छोड़ देता है। ही आल्सो लेफ्ट द शॉवर इसी प्रकार शॉवर को भी ओपन व्हाइल बाथरूम जब नहाता है उसको भी ओपन छोड़ देता है। जिम टुक लॉन्गर शॉवर हिज टीथ बहुत देर तक शॉवर में आता है ऑफ शॉर्टर वंस विच वेस्ट ए लॉट ऑफ वाटर देयर गार्डन उसके बगीचे में टैप पास ऑलवेज ओपन हमेशा खुला रहता है टैप एंड मेनी टाइम्स इट वाज समय में नो वन इवन बोदर टू क्लोज इट। जिम्स मदर नेवर टर्न ऑफ उनकी माँ कभी नहीं बंद करती है द वाटर पानी को व्हाइल स्क्रबिंग द डिजीज जब भी वो डिजीज सब्जियाँ वगैरह धोती है सी वाश्ड क्लॉथ जब वे कपड़े धोती है इन द वॉशिंग मशीन इवन द वैन इट वाज नॉट फुल। जिम्स फादर वाश्ड हिज कार जिम्स के पापा कार धोते हैं विद ए होज इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए बकेट। This wasted a lot of water. One day, एक दिन ग्रैंडपा डिसाइड ग्रैंडपा ने तय किया कि कार को गैस सारे बात करने का जी बोल रुपए में कार जेम्स फैमिली जिम के परिवार को वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है जब आप जेम्स हमारे जीवन के लिए इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ कैन यू खाना से भी ज्यादा पानी इम्पोर्टेंट है हाउ कैन यू क्यूप एंड वेस्ट वाटर। जिम आस हाउ कैन वाटर बी सो इम्पोर्टेंट ग्रैंडपा पानी इतना महत्वपूर्ण कैसे हमारे लिए वी गेट वाटर सो इजली हमें पानी आराम से प्राप्त होता है। ग्रैंडपा एक्सप्लेन ग्रैंडसन ने बताया इट टू हिम वेल वी गेट वाटर हमें पानी प्राप्त होता है इजली आराम से एज वी आर लकी जो के लिए लकी है। डू यू नो क्या तुम जानते हो देयर आर मैनी प्लेसेस बहुत सी जगहों पर वेयर पीपल जहाँ लोग डू नॉट इवन गेट क्लीन वाटर ड्रिंक पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता है। ई साइड उन्होंने कहा वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पानी बहुत महत्वपूर्ण है। वी नीड हमारी आवश्यकता वाटर फॉर एवरीथिंग प्रत्येक कृषि में हमें पानी की आवश्यकता होती है। वी नीड इट फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए कुकिंग पकाने के लिए बाथरूम नहाने के लिए वॉशिंग डिशेज सब्जियों को धुलने के लिए एंड क्लॉथ्स और कपड़ों को धुलने के लिए वाटरिंग प्लांट्स पौधों को पानी देने के लिए आदि। ही आस्क्ड हिम जिन्होंने पूछा कैन यू इवन इमेजिन क्या तुमने कभी कल्पना की है वन डे विदाउट वाटर एक दिन बिना पानी के ग्रैंडपा सैड ग्रैंडपा ने कहा No living organism will survive water without water. We should try and do our best to save water for future. एक दिन इसका ट्राई करो और अपने भविष्य के लिए पानी बचाओ। जिम सैड जिम ने कहा आई अंडरस्टैंड मैं समझ गया नाउ अब हाउ इम्पोर्टेंट वाटर पानी कितना उपयोगी है नाउ ऑनवर्ड्स विल मेक श्योर दैट आई डोंट लीव द टैप ओपन अब मैं कभी क्या टैप को ओपन नहीं छोड़ूंगा व्हाइल जब ब्रशिंग एंड बाथिंग जब मैं ब्रश करूंगा या नहाऊंगा। जिम्स मदर एंड फादर जिम्स की मम्मी और पापा आल्सो प्रॉमिस उन्होंने भी वादा किया ग्रैंडपा से दैट दे विल टर्न द बाथरूम टैप वो भी बाथरूम का टैप ऑन ओनली व्हेन दे रियली नीड इट जब हमें वास्तव में आवश्यकता होगी तभी वो टैप को ऑन करेंगे। दे ऑल प्रॉमिस सभी ने प्रॉमिस किया ग्रैंडपा से उसे वाटर की पानी बचाएंगे। नॉट ओनली डिड जिम्स सिर्फ जिम्स की फैमिली नहीं से वाटर पानी बचाने के लिए बट लेकिन दे आल्सो हेल्प देयर फ्रेंड्स और उनके मित्रों ने भी सहायता की रिलीज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर उनको भी पानी की महत्वपूर्णता समझ में आई। स्लोली एवरीवन स्टार्टेड यूजिंग वाटर केयरफुली एवरीबॉडी मेड श्योर दैट दे डू नॉट वेस्ट